हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का अचार। तो उसके लिए मैं क्या क्या सामान चाहिए देख लीजिए। ये मैंने आधा किलो गाजर ले लिए, धो के इनको पोंछ के मैंने सुखा लिया है, गीला नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ी काली मिर्च ली है, राई और सरसों पिसी हुई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ छील के। देखिए गाजर को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब इनमें सब मसाला डाल देते हैं। ये मैंने सरसों डाल दिया इसमें। हल्दी, नमक, नमक भी 3 टेबलस्पून डाला मैंने इसमें। आधा किलो गाजर है और राई, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाजर का। मिक्स कर लेते हैं। ये हम ऑयल फ्री बना रहे हैं, इसे मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है। डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 1/2 टेबल स्पून डाली है इसमें। अच्छे से मिक्स कर लो ताकि सब पे अच्छे से मसाले की कोटिंग आ जाए। अब इसमें लेमन जूस डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है खट्टा खट्टा। फिर से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए अचार हमारा रेडी है। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के धूप में रखेंगे 4 से 5 दिन के लिए। 4-5 दिन में रेडी हो जाता है खाने के लिए। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ही ज़रूर ट्राई करें एक बार।